बाली टोला में किराए के मकान में एक परिवार रहता था, जिसमें सारे जो है तीन जो है बच्चे जो है और एक पिता रहता था, जिसमें पिता के दो संतानें और एक जो बच्चा है वो उनका भांजा है। आज एक सबसे छोटा वाला बच्चा दशाश्वमेध घाट की तरफ से अपने घर पर आया तो सुबह देखा दरवाज़ा बंद था, तो वो बगल में जा कर के सो गया। पुनः लगभग 9-10 बजे देखा तो बंद ही था, दरवाज़ा खटखटाया तो मकान मालिक के माध्यम से जाली तोड़ी गई और अंदर का नज़ारा देखे तो तीनों के जो है शव बेड पर पाए गए और खाने की थालियां लगी हुई हैं। पास में ही सल्फास के कुछ कण मिले हैं, तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है और जिसके कारण से ये घटना घटित हुई है। सारी जो फॉरेंसिक टीम है, फील्ड यूनिट की टीम है, जितने वैज्ञानिक चीज़ें हैं सभी लोगों को बुला लिया गया है। इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसके अनुरूप विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर क्या क्या नाम है? एक जनार्दन तिवारी हैं, लगभग 67 साल के, अश्विनी तिवारी हैं 27 साल के, इनका बेटा है, और दीपू तिवारी है लगभग 8 साल का, ये भांजा है। ये चाय बेचने का कार्य करते थे और जो छोटा बच्चा है अभी पढ़ने लिखने का। मैं चंदनलाल मुखर्जी, पार्षद बंगाली टोला। ये करीब एक घंटा पहले हम लोगों को सूचना मिला कि जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे क्षेत्र में हुआ है। 32/6 मुंशी घाट पे किराए के मकान में एक जनार्दन तिवारी जी के परिवार रहते थे, जिसमें बाप, दो लड़के और उनके नाती चाय बेचने का काम करते थे, और आज सुबह उसमें से तीन आदमी का लाश पाया गया और जो कमरा अंदर से भी बंद था, किस कारण इनका मृत्यु हुआ ये बहुत जटिल समस्या है।